मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गौमांस की तस्करी करने वाले कसाईयों ने ध्यान फाउंडेशन के स्वयंसेवक पर जानलेवा हमला किया है। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में आगे आगे गौ तस्कर की गाड़ी चल रही है और उसके पीछे पुलिस की गाड़ी। ये तस्वीरें उस राज्य की है जहां गौमांस या गौवंश की तस्करी करना अपराध है। इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। तस्वीरें महाराष्ट्र के कुर्ला चूना भट्टी का है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के सहमंत्री राजीव चौबे को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग गौमांस की तस्करी कर रहे हैं, जिसके बाद इन्होंने पुलिस कंट्रोल पर इसकी जानकारी दी और पुलिस ने जब इन तस्करों का पीछा किया तो ये भागने लगे। आगे आगे गौमांस की तस्करी करने वाले और उसके पीछे पुलिस की गाड़ी। मगर जैसे ही ये लोग कसाईवाड़ा पहुंचे, करीब 50 लोगों की भीड़ ने इन पर हमला कर दिया, जिसमें आशीष बारीक पर जानलेवा हमला हुआ और काफी इन्हें चोट लगी है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें मामूली रूप से चोट लगी है। इस पूरे मामले में अभी तक आधिकारिक रूप से पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। हालांकि 7 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस इनसे आगे की पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले में पुलिस ने 307-353 के तहत मामला दर्ज कर आगे जांच कर रही है। मैं 03 CV 7665 मुद्दा मुन आम थांबवती है गाड़ी। ही गाड़ी मध्य माल ट्रांसफर वाइचा काम होतो आणि मी प्राणी कल्याण अधिकारी आशीष बारीक। मी ह्या गाडीची इन्फॉर्मेशन कितीदा कंट्रोलला दिली आहे आणि आता बघा हे पोलिसांची गाडी आहे। माझा कॉल पडलेला चुनाभट्टी पोलीस स्टेशनला, तर ह्या हिशोबाने आता गाडी आलेली आहे, तर ही गाडी आम्हाला पुढे जाऊ नये देत। हे बघा, ही गाडी अशी आहे, गाडी MH03 CV 7665 ही बोलेरो पिकअप गाडी, ही माल भरायचं काम करते आणि गाडी आता बघा मुद्दामून इथं जाऊ आम्हाला देत नाही। आसिफ कुरैशी त्याचा छोटा भाऊ, तू ना बेटा आसिफ कुरैशी, तो असला मुलाचा भाऊ। फोर्स मागून घ्या कमांडर, अजून फोर्स लागेल तिथं धिंगाणाच होणार आहे। आजकाल चुना भट्टी पुलिस स्टेशन के एरिया में आज सुबह 6:15 to 6:30 के दरमियान दो प्राणी मित्र आए थे। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि कसाईवाड़ा रेलवे ट्रैक के बाजू में निर्जन ऐसी जगह है, वहाँ पे मांस विक्री करने के लिए लाया गया है। उस इन्फॉर्मेशन की खातिर करने के लिए वो प्राणी मित्र और पुलिस पदक वहाँ पे गए थे, तभी वो लोगों ने प्राणी मित्र, जब ये पुलिस ने उनकी धरपकड़ करने की कार्रवाई चालू की, तभी वो प्राणी मित्र कार्रवाई चालू की, तभी वो प्राणी मित्रों के ऊपर उन्होंने मारने की कोशिश की, तभी पुलिस ने उस बीच में एक करके उनको बचाया। उसमें से एक आदमी तुरंत जगह पर ही ताबे में लिया और जो मांस की गाड़ी थी वो भी ताबे में ले ली है। बाकी इसमें दो प्राणी मित्र में से एक जख्मी है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है और दूसरा जो है उसको किरकोल जख्म थी, इसके लिए उसको एडमिट नहीं किया गया, उसको डॉक्टर ने डिस्चार्ज दिया है तुरंत। और इसमें पुलिस का कर्मचारी कोई भी जख्मी वगैरह नहीं है, पुलिस को कौन सी किसी भी किस्म की मारहाण वगैरह हुई नहीं है। सर कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? अभी तक 7 लोग को ताबे में लिया है पुलिस ने। सर ये कितने लोगों ने हमला किया था, कितने लोगों के ऊपर अभी एफआईआर है, कितने कौन से सेक्शन में? टोटल ये 9-10 लोग थे वहाँ पे और अभी तक हम लोगों ने 7 लोगों को कस्टडी में लिया है और इसमें धारा 307 राइटिंग के सब सेक्शन और 353 और प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गुना दर्ज किया है।